बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 1.4 12 प्लस मैथ हम करें। इसके फोर क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में फोर तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर फाइव से आगे बढ़ेंगे आज। क्वेश्चन नंबर फाइव के टू पार्ट्स हैं, ये उसका फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव में वो कह रहे हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है एम एक्स के इफ एक्स इज लेस देन थ्री। अगर एक्स की वैल्यू हम रखेंगे लेस देन थ्री तो फिर हम वो इसमें रखेंगे तो फंक्शन हमारा इक्वल है एम एक्स के, यानी लेस देन थ्री के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे एम एक्स लेस देन थ्री के लिए। ये हमारी नंबर लाइन है लेस देन थ्री, और थ्री खुद उसमें शामिल नहीं है। जब एक्स की कोई वैल्यू हम रखेंगे जो कि तीन से छोटी होगी तो वो हम इसमें रखेंगे, तीन से छोटी जो भी वैल्यू होगी वो हम इसमें रख सकते हैं। और अगर एक्स थ्री के इक्वल होगा तो फिर ये n के इक्वल है, अगर ये 3 के इक्वल है तो फिर फंक्शन जो है वो इक्वल है 3 के, n इक्वल 3 है। और अगर वैल्यू रखेंगे इस फंक्शन में ग्रेटर देन 3 तो फिर हम इसमें रखेंगे ग्रेटर देन 3 के लिए, यानी 3 से इस साइड पर जब भी कोई वैल्यू रखेंगे 4 5 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो फिर हम इसको यूज करेंगे वैल्यू रखने के लिए 2x - 2x + 9 को। ये सारी डिटेल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई है। अब देखें वो कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एम एन। अब इसमें एक उसने ये एम यहाँ पर अननोन दे दिया और एक एन दे दिया, इन दोनों को हमने फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन सो दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन जो है ये उसने दे दिया है कि ये कंटिन्यूअस है। आप सिर्फ ये मालूम करें कि एम और एन को क्या होना चाहिए, एम की जगह पर यहाँ पर क्या हो, एन की जगह पर यहाँ पर क्या हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो। तो एम और एन मालूम करना है, बता दिया उसने कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो बताया था आपको कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आती है वही राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आती है, और फंक्शन की अपनी वैल्यू उस पर जिस पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं वो भी इसके इक्वल आती है, यानी ये तीनों चीज़ें उसमें इक्वल होती हैं। और इसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ से एम और एन निकाल लेंगे। फंक्शन चूंकि गिवन है कि ये कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल 3 है, 3 पर हम इसको फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द नेगेटिव साइड f ऑफ x, तो लेफ्ट साइड से जब हम 3 की तरफ अप्रोच करेंगे, जब इस 3 की तरफ हम अप्रोच करेंगे इधर से वैल्यू रखते रखते हम इधर जाएंगे 3 को अप्रोच करेंगे तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं उधर, तो लेस देन 3 वाली वैल्यू में हम इसको पुट करेंगे, तो लेस देन 3 वाली ये है एम एक्स, तो यहाँ पर हम एम एक्स को यूज करेंगे तो एक्स जब रखेंगे 3 तो ये हमारा बन जाएगा 3m, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी आती है 3m। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच करेगी 3 को, अब हम इसको अप्रोच कराएंगे फ्रॉम द राइट साइड, इधर से अप्रोच कराएंगे तो फिर ग्रेटर एक्स के लिए रखेंगे इसको, फ्रॉम द राइट साइड है तो प्लस लगाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 3 को फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 3 को पॉजिटिव साइड से, तो एक्स इज ग्रेटर देन 3 वाली में हम रखेंगे, जब लेस वाली में रखा था तो एक्स इज लेस देन 3 वाली में हमने इसकी वैल्यू पुट की थी, इसमें पुट की थी, अब ग्रेटर के लिए करने लगे हैं तो ग्रेटर देन 3 जो है वो इसमें है, यानी अब इसमें हम इसको यूज करेंगे -2x + 9। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, एक्स जब हमने 3 रखना है, एक्स जब 3 रखा प्लस 9 ये आ गया -6 + 9, तो ये आ गया पॉजिटिव। अब चूंकि वो कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये वाली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। इसके अलावा फंक्शन की वैल्यू इस 3 पर वो होगी, फंक्शन वैल्यू 3 पर उसने दिया हुआ है कि जब पूरा 3 रखेंगे इसमें तो फिर वो एन के इक्वल है, तो फंक्शन 3 पर वैल्यू देता है हमें एन के इक्वल। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 3 पर ये सब आपस में इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 3 पर ये सब इक्वल होंगे। इन सब को इक्वल रखें, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पर 3m लगाया, राइट हैंड लिमिट की जगह पर हमने ये 3 लगाया और फंक्शन की वैल्यू 3 पर जो है वो n के। अब हमें निकालना है, अब ये तीनों इक्वल हैं और हमें m और n फाइंड करना है। अगर हम इन दोनों का इस्तेमाल करें तो 3m = 3 है, यहाँ से m हमें मिल गया 1, जितनी उधर जाके इसको डिवाइड करेगा तो m की वैल्यू आ गई 1, तो ये एम हमने फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर ये भी मौजूद है n = 3 है, n की वैल्यू भी हमें मिल गई। अगर यहाँ पर m की जगह पर 1 हो
और एन की जगह पर थ्री हो तो ये वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा थ्री पर, यही हमने एम और एन फाइंड करना था। इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। बिल्कुल इसी तरह से हम इसका ये क्वेश्चन नंबर फाइव का सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है एम एक्स, जब एक्स लेस देन थ्री है तो हम इसको यूज करेंगे, लेस देन थ्री से कोई वैल्यू हम पुट करेंगे जब तो हम इसमें रखेंगे एम एक्स में, और जब एक्स इक्वल थ्री या थ्री से ग्रेटर होगा तो फिर इसको यूज करेंगे। यहाँ से लेकर अगर कोई इससे आगे वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हम इसमें रखेंगे एक्स के में, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यही बात है इसमें भी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, और हमें यही एम और एन इसमें भी मालूम करना है, लेकिन इसमें सिर्फ एम है वही मालूम करेंगे, एन इसमें है ही नहीं, सिर्फ हमें एम ही मालूम करना होगा। अब एफ ऑफ एक्स एम एक्स इफ एक्स इज लेस देन थ्री, एक्स केयर इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो वहां से ही हमें एम मिल सकता है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच करेगी थ्री को, इक्वल थ्री है तो उसी पे हम इसको मालूम करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री फ्रॉम द नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड से यानी इधर से वैल्यू पुट करते 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 जब हम थ्री की तरफ बढ़ेंगे तो ये आएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री फ्रॉम द नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड से क्लोज करेंगे थ्री को तो लेस देन थ्री वाली में रखेंगे, लेस देन थ्री वाली ये है तो इसमें हम एक्स जगह पर थ्री पुट करेंगे, एक्स जगह पर थ्री पुट करेंगे तो ये आएगा थ्री एम। इसी तरह से इसकी राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे थ्री पर तो लिमिट एक्स अप्रोच करेगी थ्री को फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, यानी इधर से वैल्यू पुट करते करते जब हम थ्री की तरफ बढ़ेंगे एफ ऑफ एक्स, तो पॉजिटिव साइड से थ्री को अप्रोच करें तो एक्स इज ग्रेटर वाली में वैल्यू पुट करेंगे, ग्रेटर वाली ये है एक्स स्क्वायर, इसको हम यूज करेंगे थ्री पुट करने के लिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स या इसको यूज करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो इसमें एक्स जगह पर जब थ्री रखेंगे तो ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर, वो आ जाएगा आपके पास नाइन, और इसमें सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू है एम, वो हमने मालूम करनी है तो हमें यहीं से मिल जाएगी, हमें ये फंक्शन की वैल्यू इस पर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि फंक्शन गिवन है कि कंटिन्यूअस है लिहाजा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तो जब इसमें वैल्यू लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ये थ्री एम निकाली है और राइट हैंड लिमिट हमने नाइन निकाली है, ये आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी नाइन डिवाइड बाई थ्री, तो एम आपको मिल जाएगा थ्री। अगर यहाँ पर एम की जगह थ्री हो तो फिर ये फंक्शन थ्री पर कंटिन्यूस होगा, और यही हमने एम फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दफा पेपर में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन भी और पिछला क्वेश्चन नंबर फाइव भी। इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द, इसमें हमने निकालना है, इसमें हमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इनमें एक ये अननोन वैल्यू के है ये हमने मालूम करनी है, फाइंड के इफ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, ये एक्स इज इक्वल टू पर कंटिन्यूअस है, ये उसने दे दिया है कि ये कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है, और इसका मतलब होता है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जिस पर हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं या पर टू पर चेक कर रहे, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की एट एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू टू वो एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती है और वो इक्वल होती है फंक्शन की वैल्यू सी के इक्वल, तो इसी का हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो हम डायरेक्ट ये निकाल लेते हैं, यहाँ पर हमें लेफ्ट और राइट दोनों निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे जी लिमिट एक्स अप्रोच करेगी टू को, टू पर कंटिन्यूस है ये एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 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 एक्स प्लस फाइव, टू एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स प्लस सेवन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। तो हम डायरेक्ट इसकी लिमिट निकालने लगे हैं जब लिमिट अप्रोच करेगी इसको टू को, तो देखिए जब ये टू को अप्रोच करेगी अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर टू रख दें तो ये बन जाएगा फोर प्लस नाइन थ्री आ जाएगा, तो ये आ जाएगा थ्री, और यहाँ पर हम टू रखेंगे तो टू प्लस सेवन नाइन, नाइन का अंडर रूट ये भी थ्री आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा हमारे पास टू माइनस टू, तो ये जीरो बटा जीरो फॉर्म बन जाती है। तो हमें जीरो बटा जीरो फॉर्म नहीं बनानी, तो इसको फिर रैशनलाइज कर लें, इसको रैशनलाइज करेंगे इसी वैल्यू से, इसको रैशनलाइज कर लें माइनस है तो प्लस के साथ, टू एक्स प्लस फाइव अंडर रूट, हम फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं टू पर,
तो माइनस है तो प्लस के साथ इसको रैशनलाइज कर दिया, इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसी के साथ इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रैशनलाइज नहीं करेंगे तो फिर ये 0/0 फॉर्म बनती है। इसी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से इसको डिवाइड कर दिया। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दो रकमें प्लस हो रही है और माइनस हो रही है, तो ये बनेगा पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर बन जाएगा। ये आएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, तो ये आ जाएगा 2x और 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई में स्क्वायर बनेंगे तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 2x प्लस 5 प्लस माइनस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये भी स्क्वायर बनेगी तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगी एक्स प्लस 7। तो नीचे ये हमारे पास एज इट इज आता रहा, एक्स माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 अंडर रूट और एक्स प्लस 7 अंडर रूट, ये चीज आ। अब ये हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 7, माइनस को अंदर लेके तो इसकी लंबाई चेंज होगी। नीचे बना 2x, नीचे हमारे पास आया x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 और 2x प्लस 5 अंडर रूट, 2x प्लस 5 अंडर रूट और प्लस x प्लस 7 अंडर रूट, ये चीज बनी। अब ये अगर 2x माइनस x, x आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x माइनस 2 आया ऊपर, x माइनस 2, 2x माइनस x x, 5 माइनस 7 से माइनस 2, तो नीचे हमारे पास x माइनस 2 और ये सारा इसी तरह से हमारे पास मौजूद है 2x प्लस 5 अंडर रूट, 2x प्लस 5 अंडर रूट और x प्लस 7 अंडर रूट। अब देखिए ये कट गया इसके साथ, तो लिमिट अप्रोच कर रही है 2 को। अब अगर हम इसमें लिमिट रख दें x जगह पर 2 रख दें तो फिर ये 0/0 फॉर्म नहीं बनती, यहाँ पर हम इसकी लिमिट को यूज करेंगे, x जगह पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 5 9 अंडर रूट, यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 2 प्लस 7 9 अंडर रूट आ जाएगा। ये हुआ हमारे पास 1 ओवर 3 प्लस 3, तो ये आ गया 1 ओवर 6। तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 1 ओवर 6 के इक्वल आई है। तो बताया था आपको ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालने की वो इक्वल होगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो 2 पर इसकी वैल्यू फंक्शन की 2 जब इक्वल 2 है तो फिर वो k के इक्वल है, f एट 2 जो है वो k के इक्वल है। तो हमें पता है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है लिहाजा लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर दोनों इक्वल होंगी, तो लिमिटिंग वैल्यू हमने उसकी ये निकाली है और फंक्शन की वैल्यू 2 पर उसने k दी हुई है, ये दोनों इक्वल होंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल होगा f एट 3 f एट 2 के इक्वल। जब इसमें वैल्यूज रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा k इज इक्वल टू 1 ओवर 6, और यही हमने इसमें फाइंड करना था। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।